हेलो एवरीवन, बिहार पुलिस भर्ती 2024 जिसका एग्जाम आप लोगों का 7 अगस्त से होने वाला है और जिसके अंदर साइंस के 28 से 30 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे, उसी 28 से 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं यहां पर आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से पूरे ही टॉपिक्स को आपको कम्प्लीट करवाया जाएगा। डेली आपको ये वीडियो मिलेगी और छोटी सी वीडियो होगी बिल्कुल, जिसमें आपके एक टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं और जो आगे पूछे जाएंगे उन सभी को यहाँ पर कवर किया गया है। और आज हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की पादप कोशिका से। तो पादप कोशिका के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी को वन लाइनर फॉर्मेट में इकट्ठा करके आपके सामने लाया गया है, तो फटाफट से आप लोग इनको रिवाइज कर लेंगे जिससे आप लोगों को ये पता रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। तो आप मेरे साथ बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे कहां से कि वसा संश्लेषण कहां होता है। वसा संश्लेषण आपका कहां होता है? गोल्जीकाय में होता है। कहां पर होता है? गोल्जीकाय में होता है। गुणसूत्र आपके किससे मिलकर बनते हैं? गुणसूत्र आपके किससे मिलकर बनते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर आपके क्या बनते हैं? गुणसूत्र बनते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन है कि क्राब्स चक्र कहां पूर्ण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में आपका पूरा होता है क्या? क्राब्स चक्र, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कुछ किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कृषकों के रूप में जाने जाते हैं? कृषकों के रूप में हम किन्हें जानते हैं? कृषकों के रूप में हम जानते हैं किनको? चींटी आंट, चींटियों को जानते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अश्वमीन। अश्वमीन आपका किस प्रकार का जीव है? ये एक तरीके की क्या होती है? मछली होती है। क्या होती है? मछली होती है। अगर हम इसके आगे बात करेंगे कि कॉकरोच आपका जल में जीवित नहीं रह सकता, कॉकरोच आपका जल में जीवित नहीं रह सकता, क्यों? क्योंकि ये सांस लेता है। किससे सांस लेता है? आपके किससे? ट्रैकिया से सांस लेता है। अगर हम इसके आगे बात करेंगे कि एक पक्षी और कीट, ठीक है, दोनों में क्या होते हैं? फैदर्स होते हैं जिसकी मदद से वो उड़ सकते हैं। तो आपको यही बताना है कि उनके फैदर्स जो होते हैं वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं? तो कौन से ऑर्गन्स होते हैं? समवृत्ति अंग होते हैं। कौन से ऑर्गन्स होते हैं? समवृत्ति अंग होते हैं, ठीक है। कौन से अंग होते हैं? समवृत्ति अंग होते हैं, अंग होते हैं। आगे देखेंगे त्वचा पर बाल कैसे निर्मित है। त्वचा पर जो हमारे बाल होते हैं वो हमारे चर्मी में होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे डेड सेल से मिलकर बनते हैं। किससे बनते हैं? डेड सेल से मिलकर बनते हैं, मतलब मृत कोशिकाओं से बनते हैं। किससे? मृत कोशिकाओं से। अगर बात करें कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोजन, ठीक है, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट कण, सल्फर कण और गैस रिक्तियां शामिल होती हैं, तो किसमें होती हैं? आपके कोशिका द्रव्य, जिसे हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, नेक्स्ट है आपका कोशिका का केंद्रक, ठीक है। कोशिका का केंद्रक में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली और चिपचिपा पदार्थ होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने क्या दिया था? आपका कोशिका सिद्धांत दिया था। उसके बाद बात करेंगे कोशिका पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे हम कि आगे हमारा क्या है। देखिए, वह कौन सा कोशिका का अंग है जिसमें क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है और श्वसन होता है। तो ऊर्जा का उत्पादन और श्वसन आपका कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही आंसर होगा। इसके बाद है पादप कोशिका प्लांट सेल में कौन सा कोशिका अंग आपका होता है जो जंतु कोशिका में नहीं होता? तो जंतु में आप लोगों को बिल्कुल पता होंगे प्लास्टिड्स हमारे नहीं पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स हमारे सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्लास्टिड्स होगा। कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति आपकी किन में नहीं पाई जाती है? जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है क्या? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति मतलब आपकी क्या हो गई? सेल वॉल आपकी किन में नहीं पाई जाती है? जंतु कोशिका में, क्योंकि सेल वॉल कहां होती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। सिर्फ पादप कोशिकाओं में आपकी सेल वॉल होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, एक विशेष कार्य को करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को, मतलब एक जैसी आपकी, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं कि आपके समान कोशिका, एक जैसी कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। आगे देखेंगे क्या कि हिस्टोलॉजी क्या होता है। हिस्टोलॉजी आपका क्या होता है? उत्तकों का। हिस्टोलॉजी क्या होता है? उत्तकों का अध्ययन, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं? उत्तकों के अध्ययन को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है।
उत्तक विज्ञान, किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली मतलब सुसाइडल बैग बोला जाता है, किसको बोला जाता है, लाइसोसोम्स को बोला जाता है। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जंतु कोशिकाओं में कोशिका अवशिष्ट निस्तारण वेस्ट डिस्पोजल कौन सा अंग करता है, वेस्ट डिस्पोजल कौन सा अंग करता है, लाइसोसोम्स करते हैं, कौन सा करता है, लाइसोसोम्स करते हैं। अगर हम इसके आगे बात करेंगे कि किसने जीवन की मौलिक, ठीक है, संगठनात्मक आपकी इकाई को किन्होंने दिया है, इसका मतलब क्या है, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द को किन्होंने प्रतिपादित किया है, किन्होंने किया है, परकेंजे ने किया है, तो आप लोग आंसर बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ तक आपके सभी प्रश्न थे, आप सभी इन्हीं छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से सारे टॉपिक्स को अपने कवर कर लेंगे और ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे, तो आप बने रहेंगे KD Live State एग्जाम्स पर। थैंक यू सो मच।